नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हो आप सभी लोग, और कैसे चल रही है आप सबकी एलटीपी कैलकुलेटर की लर्निंग? बेहतरीन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय सर। कैसे हो? बढ़िया। गुड मॉर्निंग डिकॉक सर, केम छो? मजामा, बिल्कुल मजामा सर। दिनेश कुमार सर, जय श्री राम। सर थोड़ा आपका टाइम बढ़ा दीजिए। टाइम को क्या है महेश सर, 10:30 बजे या 11:45 के आसपास तो मुझे जाना होता है बाहर काम से, इसलिए 10:15 और ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 तक ही रह सकता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की, लेकिन क्या किया जाए। मुकेश सर जय श्री राम। सोहेब सर गुड मॉर्निंग। कैरेट सर गुड मॉर्निंग। खुराना सर राम राम। सर जी राम राम। दास सर राम राम। टेंशन में हूँ समझ आ रहा, लेकिन ठीक से ट्रेडिंग हो नहीं रहा, ऐसा लग जाता है आजकल। क्या है मैं सर, सिर्फ और सिर्फ ना आपसे थोड़े दिन क्या कीजिए, सेफ ट्रेड कीजिए, और जब भी पहली बार आए ना तभी कीजिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, जब भी दूसरी बार आए तब मत किए। तभी ज़्यादातर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को तभी तोड़ता है जब दूसरी बार टच करता है ना, तभी। पहली बार कोई दिक्कत नहीं आती, या फिर जब भी आप सेफ ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट मिलता है, पूरा डाइवर्जन बदलेगा जाओ, प्रॉफिट तो होता होगा आपको, सही है ना। गुड मॉर्निंग अमित सर। जूम मीटिंग कब रखनी है सर? प्लान करते हैं डिकॉक सर, शायद इस सैटरडे नहीं संडे को रखते हैं, है ना, ताकि सबको आप सबको भी सही से टाइम मिल जाए। सुबह 9 से 10 या 10:30 या 11 बजे, 2 घंटे बातें करेंगे, ठीक है। संडे ही रखते हैं इस संडे। प्रदीप सर गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा प्लस खुल रहा है मार्केट 64 पॉइंट के आसपास, और बैंक निफ्टी 100। जय जगन्नाथ सर, लिपु सर जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम है शानदार लर्निंग ट्रेडिंग में, बिल्कुल बसंत सर वेलकम। अमरेली में टेम्परेचर 44 डिग्री, पच कर रहो सर? बिल्कुल, बहुत ही खराब माहौल है आजकल। लाइक भी कर दो, सही है, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया कर दो, या फिर जब भी डॉट टू डॉट मार्केट मिले रिवर्स हो तब लाइक कर देना, ठीक है। अभी अगर लाइक करने का मन नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, आज एक्सपायरी भी है तो बहुत ध्यान से मार्केट को देखेंगे, ठीक है, फंसेंगे बिल्कुल भी नहीं आज। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी
1.0 के अगेंस्ट तो जाना ही नहीं है। एलटीपी कैलकुलेटर में सक्सेस पानी है तो एक ये सूत्र गांठ बांध लो, ट्रेड मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट तो जाना ही नहीं। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर, तिवारी सर गुड मॉर्निंग, मैं लाइक कर दो, लाइक कर दे, सही है लिपू सर, आइए विजय सर, राधे राधे, प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अरवि सर, प्रजापति सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी का स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम में। देखते हैं कैसा रहता है आज का बाजार और आज की निफ्टी की एक्सपायरी। गुड मॉर्निंग भैया राजपूत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। फिलहाल तो स्टॉक्स भी सभी के सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं, देखते हैं हमारा डेटा क्या कहता है। परसों कोई फंसा तो नहीं था ना यहाँ पर यूएस माइनस वन पर, और फंसा भी होगा तब भी यहाँ पर आपके पास बहुत टाइम था निकलने का भी, सही है ना। गुड मॉर्निंग विमल सर, मी क्यों लेकिन महेश सर आप तो अच्छी तरह से देख सकते हो अब एलटीपी कैलकुलेटर को, समझते भी अच्छा है तो क्यों फंस रहे हो। हाँ प्रकाश सर आप भी फंसे थे, यह डेटा दिख रहा था, सपोर्ट WTB भी हो गया था और आपके पास मौका भी था यहाँ पर, पोस्ट मार्केट देखा था ना आपने, अगर यहाँ पर ले भी लिया था तो यहाँ पर आपको बहुत मौके मिले थे कोस्ट टू कोस्ट निकलने के भी। ओके मार्केट खुल चुका है, मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं। ओके यहाँ पर डेटा आ चुका है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट है आपका 22,200 पर जो कि है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस भी है 22,000 पर जो कि है उसके एक स्ट्राइक प्राइस आगे ही वीक टूवर्ड्स स्टॉप। ओके देखते हैं सिनेरियो नंबर 8, तो बिल्कुल ही शांति से देखते रहेगा जब तक डेटा सेटल ना हो, पूरा क्लियर सिनेरियो जब तक ना बने। अब देख लीजिए सपोर्ट हो गया है स्ट्रॉन्ग, ओके क्या है वैल्यू 22,180 के आसपास, तो पहली आपकी मैजिकल लाइंस होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 22,180। ओके रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर है, क्या है ब्रेकआउट, उसका अगला डाइवर्जन 22,282 के आसपास। ओके तो आपकी दूसरी मैजिकल लाइंस होगी 82 यहां पर, ओके लिख देते हैं यहां पर EOS EOR। डेटा जब तक सेटल नहीं होता तब तक ध्यान से देखते रहिएगा, सपोर्ट फिर से 92% हो चुका है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस
22,200 से 22,250 पर शिफ्ट भी हो गए। देखते हैं, दोनों ही दोनों तरफ से उल्टा प्रेशर है, सही है ना? तो ध्यान से देखते रहिए और डेटा को सेटल होने दीजिए, देखते हैं बाद में देखते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सुरेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखते हैं आज की एक्सपायरी बेहतरीन ट्रेड दे पाती है या नहीं। फिलहाल तो दोनों ही दोनों तरफ से उल्टा प्रेशर है। रेजिस्टेंस 22,000 से 22,250 पर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर देखिए 94% और नई जगह पर WTT होने के लिए तैयार है। बहुत सारी परसेंटेज है रेजिस्टेंस साइड में। सपोर्ट साइड में देखते हैं, अगर ये वीकनेस चली गई तो यहाँ से बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, देखते हैं। ओके दोस्तों, सपोर्ट हो गया है स्ट्रॉन्ग। देखते हैं अब रेजिस्टेंस साइड में कब तक वीकनेस जाती है या फिर बनी रहती है, 280 के आसपास, 180, 22,180, सही है। सही है, नई जगह पर हो गया है WTT। देखते हैं कितने परसेंटेज, यहां पर देखते रहिएगा मार्केट कैसे फंसाने की कोशिश करता है। यहां पर देखिए क्या बात है, यहां से देखो यहां पर शिफ्ट हो गया और नई जगह पर WTT और शिफ्ट भी हो जा रहा है। मतलब रेजिस्टेंस साइड में कुछ क्लियरिटी है नहीं और सपोर्ट है अपने आप में स्ट्रांग। हाँ सही है सर, कहां पर खुला था 22,200 पर, सब ध्यान से देखते रहिएगा। वहां से कहां पर था, 22,000 से 22,250 पर था, ठीक है। यहां पर शिफ्ट हो गया और नई जगह पर भी हो गया और वहां पर भी शिफ्टिंग हो गई, मतलब डबल शिफ्टिंग। हिस्टोरिकल डेटा एक बार देख लेते, कुछ इसमें कुछ अलग तो नहीं है ना? ओके सही है, इसमें कुछ लेट दिखा रहा है क्योंकि आपका रेजिस्टेंस यहीं पर था। ओके देखते रहिएगा, यहीं पर था रेजिस्टेंस 22,200 से 22,250 तक WTT। देखिए 22,200 शिफ्ट हो गया और नई जगह पर WTT, मतलब यहां पर डबल शिफ्टिंग हुई है। जी बिल्कुल सही है, सही चल रहा है। हाँ डबल शिफ्टिंग है तो मतलब एक काइंड ऑफ बुल रन सिनेरियो, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज वापस ना शिफ्ट होने लगे ये ध्यान रख सकते। 82% है, देखते हैं, लेकिन ये तो हमें क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग भास्कर सर, सर रजिस्टर, हाँ 2 बार शिफ्ट हुआ है। दीपक सर गुड मॉर्निंग, चैटर्जी सर गुड मॉर्निंग, बुल रन मानेंगे क्या ऐसे? हाँ जी बिल्कुल सर, काइंड ऑफ बुलिश सिनारियो। देखते हैं इसमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 भी अपने आप में मायने रखेगा, 22,236। देखते हैं
ईओएस प्लस वन। ये एक रिस्की बॉटम है, याद रखिएगा। फुली सेफ ट्रेडर, बिल्कुल भी यहां से ट्राई मत मारिए, सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए, ठीक है? सेफ बॉटम आपका हमेशा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही रहेगा। गुड मॉर्निंग राजीव सर। दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन देखते हैं 22,250 का डायवर्जन अपने आप में रिस्की रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों, है ना? वापस से शिफ्टिंग हो गई है 22,250। वैल्यू क्या है उसकी? 22,281। ये सबसे ऊपर वाली मैजिकल लाइंस, और ये अपने आप में रिस्की रहेगा, ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है? जब तक नीचे वीकनेस है तब तक ये अपने आप में रिस्की रहेगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ बुलिश सिनेरियो है, इसलिए। बाजार बुलिश दिख रहा है और बुलिश ही होए जा रहा है, देखते एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हमें मौका देने आता है या नहीं, ठीक है? मौका देता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, उल्टा तो फंसना है ही नहीं हमें, सही है? बाईस हजार 349 देखते हैं, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,333, 333 इसमें दिखा रही है 349, देखते हैं। गुड मॉर्निंग महाराणा सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। चटर्जी सर, विनय सर यूट्यूब पे लाइव है सर, बोल रहे हैं रेजिस्टेंस WTB है, देखते हैं, हमने तो देखा है, क्लियरली देखा है ना हमने, आपके सामने ही।
पहले 22,200 पर था, वहां से 22,250 पर शिफ्ट हो गया और नई जगह पर WTT हो गया। देखते हैं। मुझे लगा एक नीचे का मौका देकर 22,400 का WTT होगा, लेकिन ये तो तेला पड़ गया। सही है भाई सर। कैन यू एक्सप्लेन मी महाराणा सर? जी बिल्कुल सर, हमने जिस प्रकार से मार्केट को देखा है सुबह से, सपोर्ट 22,200 पर, पहले 22,000 पर WTB था जो कि अब हो गया है फुली स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस भी 22,200 पर था, 22,200 से 22,250 तक WTD, 22,250 पर शिफ्ट हो गया और वहां से WTT हो गया नई जगह 22,300 पर। हमने तो यही देखा था लाइव में भी और हिस्टोरिकल डेटा में देखकर भी। देखते हैं, विनय सर ने सही देखा ही हमने। सर, विनय सर ने ये पूरी थ्योरी डेवलप्ड की है, तो उससे ऊपर तो हम जा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन देखते हैं हम इस अकॉर्डिंग, जो जिस प्रकार से हमने मार्केट को देखा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं आज, ठीक है। लेकिन विनय सर तो सर है, गुरु है हमारे, तो उसके ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन देखते हैं हम अपने सिनारियों के अकॉर्डिंग देखते हैं जिस प्रकार से हमने मार्केट को देखा है, क्योंकि हर रोज तो विनय सर हर एक को बताने नहीं आ सकते कि मार्केट कहां से कहां शिफ्टिंग हुई, हमें ही देखना पड़ेगा, और हमने जिस प्रकार से देखा है उसी प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके महाराणा सर, सर रेजिस्टेंस 22,300, WTB 22,200 था एंड शिफ्टिंग हुआ 22,200 एंड WTT हुआ 22,250 पर, ऐसा है क्या? हिस्टोरिकल डेटा में तो हमने यही देखा, भले ही 300 से ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हो, ठीक है, क्योंकि जब हमने देखा तब 22,200 से WTT था 22,250 पर, वहां पर शिफ्ट होकर नई जगह पर WTT हुआ 22,300 पर, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच स्ट्रगल चल रही है, देखते। अरे भाई साहब क्या बात है, यहीं से गिर गया, एक डायवर्जन ऊपर का वेट कर रहे थे, और मैंने जैसे आपको बताया EOS+1 भी अपने आप में मायने रखेगा इस बार, ठीक है, और यहीं से रिवर्स। लेकिन याद रखिएगा ये सेफ ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं, ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स, सेफ ट्रेडर्स ओनली फॉर EOS। बाईस 285, 285, डायवर्जन पर आपको पता है हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बेहतरीन काम करती है, तो यहाँ पर देखते रहिएगा ये डायवर्जन पर 1.46 और 1.65, कॉल राइटर्स हावी है यहाँ पर, देखते हैं मार्केट इस डायवर्जन को तोड़ पाता है या नहीं, या फिर हमें यहाँ पर मौका देने आता है या नहीं।
बिल्कुल ही यहीं पर अटकी पड़ी है परसेंटेज। हाँ ना ही बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। कद्दू स्टॉक देखे जाए क्या, जब तक निफ्टी इसी डायवर्जन के बीच कंसोलिडेट करती है स्टॉक देखते हैं, शायद एक कद्दू मिल जाए। ओके यही देख लेते हैं पहले क्या है। आयशर मोटर, चौवालीस बाईस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों ही मजबूत है। 42-80, 42-80 दोनों ही दोनों मजबूत है। अगर 5 मिनट पहले किसी ने यहाँ पर देख लिया होता तो ये अपने आप में आपके टारगेट के नज़दीक जाता हुआ दिखता होगा, है ना। एग्जैक्ट मार्केट यहीं से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ, वेट वेट 42-84, सॉरी 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 42 है, तभी सोचू डबल डाइवर क्या है, वैल्यू बहुत दूर है। 42-81, 42-81 ओके। देखते इसका हिस्टोरिकल डेटा एक बार देख लेते हैं ताकि फंसे नहीं, यहीं से हुई थी शुरुआत या कहीं से सपोर्ट शिफ्ट होकर तो नीचे और नहीं आया है। ओके यहां पर देखिए यहीं से खुला है, 43,000 से सपोर्ट और रेजिस्टेंस 44,000 से WDT, और ये WTB देखते हैं। एग्जैक्ट सही है, यहां पर देखते हैं 43,000 से 44,000 पर हो गया है WTT और फिर से WTB। ओके और लाइव में 43,000 पर ही है। देखते हैं आयशर मोटर ऑलमोस्ट आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास है, अभी 20 पॉइंट दूर है। देखते हैं डॉट टू डॉट आता है या नहीं। सैनी सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पर देखते रहिएगा 58% है, कहीं डे WTT हो गया तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला जाएगा, वरना यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं स्टॉक में, है ना। आयशर मोटर बढ़िया दिख रहा है फिलहाल। ओके ऑप्शन में कोई मत कीजिएगा यहाँ से फूट का ट्रेड, क्योंकि आपको पता है दो तीन से ज्यादा जीरो तो होने ही नहीं चाहिए,
एक्स्ट्रा उछाल मार देगा ये। अगर आप रेजिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हो तो सपोर्ट की साइड इन द मनी में आपको पता है एक जीरो है तब ठीक है, दो है तो रिस्की और तीन है तो हाईली रिस्की। ओके दूसरा स्टॉक देखते हैं डिक्सन। इसके ऊपर वहीं से उसके ऊपर चला गया। इसे आपको हिस्टोरिकल डेटा में जाकर देखना पड़ेगा कि ये पहले से WTT है या ऊपर गया है, ठीक है, अगर कोई इसमें ट्रेड ले रहे हो तो। इसके इसको हिस्टोरिकल डेटा भी देख लेते एक बार। डिक्सन ओके यहां पर देख लीजिएगा सपोर्ट है आपका 8000 पर और रेजिस्टेंस है बहुत दूर कहां पर है 7000 पर। 7000 से WTT है 7500 पर, काइंड ऑफ बुलिश। और लाइव में भी वही है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रेजिस्टेंस से कोई उल्टा ट्रेड मत कीजिएगा डिक्सन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बुलिश ट्रेड है। कहाँ से बुलिश है 74-24, ओके 74-24 बहुत। बैंक निफ्टी देखना है क्या, इसके चक्कर में निफ्टी ना चली जाए कहीं, निफ्टी देख लेते वापस। ओके हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से थोड़ी दूरी पर है। और अभी भी 250 और 300 में लड़ाई चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है। 22191 91 वैल्यू आ रही है, थोड़ा ऊपर ले लेते इसे, ठीक है 91 के आसपास। ₹22,243 243 और उसका ऊपर वाला डाइवर्जन 22,300 के आसपास, ये अब आ रहा है 300 पर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं।
ओके, मार्केट आ गया, खड़ा हो गया है ऑलमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास, 22,193। देखते ओके, लेट्स सी। इसकी वैल्यू पर खास नज़र बनाए रखिए, 73 से 75% वीकनेस हो गई। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो ये हो जाएगा बुलिश बाजार से बेरिश। बुलिश मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस फिलहाल दिक्कत दे रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं। 76% परसेंटेज बढ़ रही है, देखेंगे। फिलहाल तो मार्केट एग्जैक्ट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास। सर रेजिस्टेंस निफ्टी चेंज, हाँ सही है, ये पहले वाला लिखा है इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके तिवारी सर, देखते हैं कितना डाइवर्जन दे पाता है। फुल्ली सेफ है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ से ट्रेड लेने में। देखते हैं कितना जादू दिखा पाता है अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। टू पॉइंट जीरो के ऊपर भी खास ख्याल बनाए रखिएगा, ठीक है। यह परसेंटेज अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गई तब ये बाजार बेयरिश हो सकता है, तब यहाँ पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। 67% वीकनेस है, देखते हैं। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब तक यहाँ पर प्रेशर ना बना ले। 2.0 ऑलमोस्ट पैरेलल, ओके देखते हैं। योगेश कुमार जी, बिल्कुल सर, अगर आप नए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिए और इसे देखते रहिए, ठीक है योगेश कुमार सर। कॉल पुट यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, वरना आपको बता देता। यहाँ पर लिख देते डू पेपर ट्रेड ओनली। अगर बाजार आपको सही से समझ में आता है तो जी बिल्कुल आप रियल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी पर नए हैं तो सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए बाजार कैसे बिहेव करता है अपने सिनारियों के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखते रहिएगा खास ध्यान से, 79% और 2.0 ऑलमोस्ट पैरेलल। अस्सी प्रतिशत ये परसेंटेज बढ़ रही है, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। मैं हर एक मिनट पर आपको हर एक क्लिक पर बता रहा हूँ। अगर ये परसेंटेज यहाँ पर शिफ्ट हो गई तो याद रखिएगा
इसी डाइवर्जन से बाजार गिर जाएगा। और ये बातें करते करते देख लीजिए, वाई शिफ्ट भी हो गई वहां पर, है ना। यहां पर देखिए क्या है वैल्यू, देखते हैं हम, 22,241, 22,241 इस वाले डाइवर्जन से देखते। इमोशनल ट्रेडर्स दूर रहिए बाजार से, है ना। जो अब ये बाजार यहां से बुलिश दिख रहा था, अब वो बाजार एक डाइवर्जन और नीचे गिर जाएगा, सही है। तो इमोशनल मत होइएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मार्केट अभी भी आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ही खड़ा है। जो लोग भी इमोशनल है वो इस बाजार में टिक ही नहीं सकते, सही है। सर यूएस -1 से सेफ ट्रेड हो सकता है क्या? जी बिल्कुल जा सर, लेकिन अब देख लीजिए रेजिस्टेंस जो 22,200 से 300 पर शिफ्ट हुआ था, वो फिर से 22,200 पर शिफ्ट हो गया, मतलब एक बेयरिश माहौल क्रिएट हो रहा है। कहाँ से? यही ईओएस न्यू ईओ, अब न्यू ईओआर से वहीं से गिरेगा। देखते हैं मार्केट वैल्यू पर आता है या नहीं, गिरेगा जरूर। अब देख लीजिए, अगर आपने वैल्यू से ही ट्रेड लिया है और आप इमोशनल नहीं हो तो मार्केट वहीं पर खड़ा है, और सिनारियो अब चेंज हो चुका है। जिस सिनारियो में हमने ट्रेड लिया था वो सिनारियो चेंज हो चुका है। तो इसमें इमोशनल होने की बात नहीं है, ठीक है। जो भी ट्रेडर इमोशनल हो गए हैं वो ही यहां से अब बैठे रहेंगे इस ट्रेड में, ठीक है। अगर मार्केट यहां पर मिलता है न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, तो ये एक मौका होगा, और मार्केट आपको मौका देने आया भी है ना। यही जलवा है एलटीपी कैलकुलेटर का। अगर आपने सही जगह पर सही सिनेरियो से ट्रेड लिया है तो मार्केट आपको मौका जरूर देगा निकलने का। देखते हैं वॉल्यूम 84% वीकनेस, और ओआई तो शिफ्ट भी हो गई, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी ऑल राइटर्स हावी है। तो मतलब फुल कन्विक्शन कि अब बाजार में यहां से एक बेयरिश माहौल आपको देखने को मिल सकता है। 22,236 देखते हैं, यहां पर मार्केट अब मौका देता है या नहीं। यहां पर मौका तो दिया, और शायद किसी ने थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट भी बनाया हो, लेकिन इसमें लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और वो भी स्पेशली एक्सपायरी है, तो आज तो वाइप आउट ही होगा सब कुछ अगर आप इस ट्रेड में बैठे रहते हो तो। अभी भी देखिए मार्केट अपने कोस्ट टू कोस्ट या फिर प्रॉफिट देने का मौका दिया था, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर मौका देता है या नहीं अब फिर से। सही है महेश सर, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। इमोशनल ट्रेडर्स का इस बाजार में कोई काम नहीं है, है ना महेश सर। जो भी इमोशनल होंगे या फिर यहां पर ट्रेड लेकर बैठे रहे होंगे कि मुझे तो ऊपर ही जाना है, तो मार्केट आपको फंसा ही देगा। अब ये वीकनेस ध्यान से देखती रहिएगा, कम होती रहनी चाहिए, 96%, और कम भी हो रही है, और 2.0 भी हावी हो रही है,
वॉल्यूम भी यहां पर बढ़ रही है परसेंटेज, तो फुल्ली कन्विक्शन है आपको एक यहां से बेयरिश ट्रेड लेने का। देखते मार्केट मौका देता है या नहीं। आज का टोटल लॉस 107 रुपए, ब्रोकरेज नो ट्रेड अप। क्या बात है महेश सर, बिल्कुल ही माइंडसेट सही, यही माइंडसेट होना चाहिए। आपने ट्रेड लिया, ठीक है, प्रॉफिट में भी आया, तब सिनेरियो हमारे फेवर में था इस कैंडल पर। जब यहाँ पर ऊपर आया प्रॉफिट में भी था, दिखाई 500 रुपए प्रॉफिट भी दिखाए होंगे, लेकिन फिर मार्केट जब वापस नीचे गया, सिनेरियो चेंज हो गया और मार्केट आपको मौका देने वापस आया। दैट्स इट, निकलिए और छोड़िए बाजार को। इस बाजार में एलटीपी कैलकुलेटर के साथ सिर्फ वही लॉस कर सकता है जो इमोशनल ट्रेडर है और सिनेरियो चेंज हो जाने के बाद भी यहां पर डीड होकर बैठा रहता है ना। तो ऐसा मत कीजिए, सिनेरियो चेंज मतलब निकलिए उस बाजार से। यहां पर देखिए परसेंटेज कितनी स्पीड से कम हो रही है, 93%, यहां पर 96%। इससे ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी तो येलो कलर आ जाएगा वापस से ऊपर और यहां से एक बेरिश माहौल। भले ही बाजार यहां तक ऊपर चला जाए तो इस ट्रेड में रिग्रेट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये एक मौका होना चाहिए। देखते हैं मार्केट ये मौका देता है या नहीं। क्या बात है भाया, आयशर मोटर ऑलमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कितना दूर रहा है, 3 रुपए। देखते हैं आयशर मोटर लाइव में दिखता है तो ठीक है, वरना इसे हम आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी कवर करेंगे। ओके, फिर से एक बार देख लेते, कुछ चेंज तो नहीं आया सिनेरियो में। जी बिल्कुल आ गया है, अब वो जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से गिरने वाला था अब और एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। क्या है इसका न्यू, जहां तक वीकनेस है 43 73, 43 यहां से बुलिश, देखते हैं। दोस्तों स्टॉक्स में भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि बेहतरीन तरीके से काम करते हैं स्टॉक्स भी, है ना। ऐसा हो रहा है सर आजकल मार्केट में, सेफ आजकल सेफ नहीं रहता है। जी बिल्कुल सर, सिनेरियो चेंज हो गया ना इसलिए, वरना वो बेहतरीन ट्रेड मिल जाता एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। देखिए रिवर्स करवाने की कोशिश भी कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और करवा भी देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिनेरियो चेंज मतलब उस ट्रेड से एग्जिट ही कर लेना, भले ही फिर डॉट टू डॉट टारगेट दे दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिनेरियो चेंज, माइंडसेट चेंज और निकलिए उससे। हाँ निफ्टी देखते हैं सर। ओके सर चैटर्जी सर, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनेगा रेजिस्टेंस साइड में सर, देखते हैं रविंद्र सर, अभी तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर अगर वॉल्यूम भी आ जाती है तब तो फिर और 1 घंटा वेट करना पड़ेगा हमें, और ये परसेंटेज भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो देखते हैं वॉल्यूम आ जाने के बाद और 1 घंटा।
फिलहाल तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए बहुत 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 वक्त लगेगा, देखते। निफ्टी देखिए सर। ओके ओके, भास्कर सर, चैटर्जी सर, गया ऊपर हमें निकाल कर। हाँ सही है, ऐसे ही फंसाता है बाजार, क्या करें भाई सर। सर ना, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ निफ्टी? तिवारी सर याद रखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर वॉल्यूम भी आ जाती है ना, यहाँ पर इसकी वीकनेस तो है, तो यहाँ से एक काइंड ऑफ स्लाइट सा रिस्की पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, ओआई का भी सपोर्ट है हमें, और चार्ट ऑफ इक्विटी से 2.0 भी हमारे फेवर में है, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा रिस्क आप यहाँ से ले सकते हो, है ना। 100 में से 80-90 बार यहीं से रिवर्स हो जाता है, जहाँ तक वीकनेस होती है ना वहीं से। लेकिन रिस्क हमारे पास क्या है, जब तक जहाँ से शिफ्ट हुआ है वहाँ पर नीचे वीकनेस है, इसीलिए थोड़ा रिस्क लेता है बीच वाले डाइवर्जन तक जाने का, वरना 100 में से 80-90 बार यहीं से रिवर्स हो जाता है जहां तक वीकनेस है और शिफ्टिंग हुई है वहां पर। तो देखते हैं, यहां से बेयरिश माहौल बन सकता है अगर मार्केट डॉट टू डॉट आता है तो। देखेंगे 22,238 यहीं पर, 37, 36, 37, 38 यहीं से, यहीं पर वैल्यू है। दो सौ गया बस, सही है अमन सर, नाइस नाइस, यही होना माइंड सेट। और जिसका भी ऐसा माइंड सेट है उसे अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए सर। 22,000 की वॉल्यूम की परसेंटेज बढ़ रही है, 22,000 की। हाँ सही है, वही मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर शिफ्टिंग वॉल्यूम भी आ जाए बेहतरीन बन सकता है यहीं से, देखते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ सिनेरियो को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिए और सीखते रहिए कि कैसे एलटीपी कैलकुलेटर काम करता है ना। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बोल कहाँ से बनेगा प्रकाश सर? देखिए, अभी तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कोई सोचिए ही मत, क्योंकि अगर सिर्फ यहीं पर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस की ही बात होती तो हम सोच सकते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, लेकिन यहाँ पर देखिए 91% और ओआई तो पहले से शिफ्ट हो ही गई है ना। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए अब अभी तो बहुत वेट करना पड़ेगा आपको, 1-2 घंटे और यहाँ से। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट WTB होने की कगार पर है। वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, है ना, ओआई की वजह से तो है ही, शिफ्टिंग भी हो गई है, लेकिन मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस WTB है ही और शिफ्टिंग भी हो गई है, मैं सिर्फ वॉल्यूम की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है अंदर आने के लिए ओआई और वॉल्यूम दोनों में से कोई एक भी आए तो भी चलेगा, और यहाँ पर ओआई कब से आकर बैठ गई है, ठीक है। अगर वॉल्यूम भी आ गई तो और ज्यादा कंजर्वेटिव रहेगा हमारे लिए, देखते हैं। और थोड़ा प्रेशर लगा दे, ओके सर, ओके तिवारी सर, रिस्की ट्रेडर्स जो भी है थोड़े से मॉडरेट टाइप वो यहां देखते रहिएगा, फुल सेफ तो ये भी नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि जब तक नीचे की साइड वीकनेस बनी रहती है तब तक ये हमेशा रिस्की रहता है, हमेशा बीच वाला डाइवर्जन ही सेफ रहता है, देखते हैं।
वो है कहीं खेला ना कर दे, ये देखते रहिएगा दोस्तों। यहां पर से वापिस शिफ्ट होए जा रही है। देखिए वो आई वापस एक डायवर्जन नीचे शिफ्ट हो गई। देखते हैं वॉल्यूम आ पाता है या नहीं। नाइन्टी थ्री नाइन्टी फाइव वो आई वापिस से एक डाइवर्जन नीचे शिफ्ट हो गई। ऑलमोस्ट कितना वेरिएशन है, 23 15 पॉइंट का। वो आए नीचे आकर हमें उल्लू बनाएगा। हाँ सही है सर, बनाएगा लेकिन बनेंगे नहीं। वॉल्यूम अगर आ गई तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, है ना। 95 93 देखते, अब थोड़ा स्लो हो गया। जितनी स्पीड से ये वॉल्यूम बढ़ रही थी, वो आए के नीचे जाने से बहुत स्पीड इसकी कम हो गई। लेकिन देखते वीकनेस तो है ही, 22,200 तक, और ये 15 पॉइंट के चक्कर में कहीं यहीं से ना गिर जाए, है ना। सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का वेरिएशन है यहां पर। नाइन्टी थ्री नाइन्टी फाइव या 99 पर अटकी पड़ी हुआ है। ऑलमोस्ट वीकनेस आने की कगार पर है, 22,200 पर। लेकिन याद रखिए यहाँ पर वीकनेस ऑलरेडी है ही, सिर्फ कलर आने की थी है, कगार पर है, ठीक है। वीकनेस ऑलरेडी वॉल्यूम की है ही यहाँ पर, WTB है ही ये रेजिस्टेंस 22,200 पर, लेकिन कलर भी आ जाएगा। आप देखते हैं बाजार आता ही नेट डॉट टू डॉट हमारी वैल्यू पर 239 40 के आसपास वैल्यू है यहीं पर, जहां पर हमने मैजिकल लाइन्स ड्रॉ की है। और इसके आ जाने के बाद यह परसेंटेज बढ़ती रहनी चाहिए। अगर मार्केट को 22,200 के डाइवर्जन से ही रिवर्स होना है, तो अब इसकी परसेंटेज, और ये देख लीजिए आ गया, और ज़्यादा कन्विक्शन मिल गया हमें। इसकी परसेंटेज बढ़ती रहनी चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। अगर यहां से आप रिस्क ले भी रहे हो तो इसकी परसेंटेज बढ़ती रहनी चाहिए। अरे भाया गया, 15 पॉइंट के चक्कर में गया है। किसी ने रिस्क लिया था क्या 15 पॉइंट का, है ना। बेहतरीन ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट के चक्कर में किसी ने लिया था ये 10 15 पॉइंट का रिस्क। यही करता है एक्सपायरी के दिन आज तो बाजार। वॉल्यूम WTB ही जाए तो क्या हो सकता है सर, गिर जाएगा, यही हो सकता है जो हुआ यहाँ से। किसी ने लिया था क्या ये 15 पॉइंट का रिस्क,
लिया होगा तो बेहतरीन, एक अपने आप में सुपर ट्रेड था ये, सुपर। आजकल मार्केट कुछ ज्यादा कंफ्यूज कर। हाँ सही है चैटर्जी सर, चुनाव है ना, चुनाव आने आने हैं, इसलिए उसके बाद कुछ स्टेबल होगा। अगर रेजिस्टेंस WTB हो गया तो शिफ्ट हुआ तो -1 जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सर जाएगा, टूट गया। हाँ प्रकाश सर टूट गया यहीं से, देखो गिर गया, गिरा। सही है, एक अच्छा ट्रेड मिस हो गया। अच्छा ट्रेड था, अगर किसी ने 15 पॉइंट का रिस्क लिया होता तो ये बेहतरीन धुआंधार शानदार ट्रेड था। नो सर, ओके अक्षम सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं लिया, 30-35 का वेट कर रहा था, बिल्कुल सही। 35 का 30, मतलब यहां से कुछ भी नहीं था, सिर्फ 5 5 10 10 12 पॉइंट का ही रिस्क था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, ओके डिगॉक सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके अब बाजार जा सकता है, एक और डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे, अगर ये परसेंटेज बढ़ती रहो, देखते रहिए कैसे बेवकूफ बनाता है। थोड़ा सा क्या गिरा हुआ है, फिर से आ गई 95%, और इसकी वैल्यू क्या है, 22,138, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे 22,138। ओके एक लाइन वहां पर भी खींच लेते, 138-40 के आसपास। ओके यहीं तक, क्या बेहतरीन ट्रेड 10 पॉइंट के चक्कर में। ये कैंडल में 40 पॉइंट प्रीमियम मिलते जी, बिल्कुल सर, बेहतरीन कैंडल बनी, क्या धुआंधार थी। नो सर रिस्की था। हाँ ठीक है सर, खुराना सर, रिस्क था थोड़ा, लेकिन बेहतरीन ट्रेड था। जो भी रिस्की ट्रेडर है ना, उसके लिए ये बेहतरीन ट्रेड था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छूट गया तो। यहां पर भी नजर बनाए रखिएगा, अगर -1 तक जाते जाते सपोर्ट भी WTB हो गया, तब तो ये कोई बुलिश ट्रेड, ब्लड बाथ हो जाएगा, है ना, ब्लड बाथ। देखते हैं, ऐसे ही मत जा। फुल्ली बेरिश माहौल, आपको अब सिर्फ यहां पर नजर बनाए रखनी है, इसकी परसेंटेज अब बढ़ती रहनी चाहिए, और ये परसेंटेज भी अगर बढ़ती रही तो ब्लड बाथ, और ये परसेंटेज कम होती रहनी चाहिए, दैट्स इट। टूट जाएगा बाजार कहां से, पहले तो ना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। ओके अब ये डिलीट कर देते और यहां पर लगा ला देते न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही बाजार टूट जाएगा। अगर ये वीकनेस आती नहीं है तो कहां तक, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक, और ये भी वीक हो जाता है तो ब्लड बाथ। आप कहीं से कहीं तक कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते, हर टॉप से बिक वाली। यहाँ पर भी वैल्यू आना चालू हो गई, 22,192, मतलब जहां से मार्केट टूट रहा है वहीं से। सर -1 से रिवर्स हो सकता है क्या जी चैटर्जी सर? मैंने जैसे आपको बताया ना, सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में यहां से पलट सकता है। अगर यहां पर, यहां देखिए 70% वीक है, OI तो ऑलरेडी है ही, अगर ये 70% से 75 के ऊपर हो गया तो कहीं से कहीं तक नहीं पलटेगा। पुट के ट्रेड में 600 का प्रॉफिट, क्या बात है राजीव सर, नाइस। ले लिया था रिस्क अपने, यहां से रिस्क लेने लायक था, ठीक है, लेकिन 10-12 पॉइंट का रिस्क था, और एक्सपायरी के दिन 10-12 पॉइंट भी बहुत लगते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर डॉट टू डॉट आया तो 500-700 का 300-400 के आसपास लॉस दिखाने लगता है। ठीक है सर, आज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए 3 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत बार शिफ्टिंग हो चुकी है, पहले ऊपर से नीचे आया, सॉरी नीचे से ऊपर आया, वहां से और गया, फिर से ऊपर आया,
मतलब रेजिस्टेंस साइड में फुल्ली कंफ्यूजन चल रहा है। तो यहाँ से 2 घंटे, ये घंटा तो छोड़ दीजिए पिछला, 9:15 से 10:15 और 2 घंटे, ठीक है, अगर ऐसे ही बना रहता है तो यहाँ से 2 घंटे, 9:15 से 11:15 और 12:15 के आसपास। लेकिन अगर ये आप कहीं से कहीं तक शिफ्टिंग होती रहती है, मान लीजिए यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई, फुल्ली हाईएस्ट हो गया और ये नीचे से येलो कलर भी गायब हो गया, तब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का कोई चांस है नहीं। 22,200 फुट में 950 प्रॉफिट, क्या बात है सर। सुरानी सर नाइस, बेहतरीन, देखते हैं लगता है क्या फिर से मौका देने आएगा, यहीं से टूट जाएगा। बेहतरीन, इस ट्रेड को मिस करके थोड़ा दुखी हो रहा हूं। सही है चटर्जी सर, आप नहीं, सब हम सब दुखी हो रहे हैं, हम में से सभी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिस्क कितना था, 10 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 10, उसके सामने रिवॉर्ड कितना बड़ा था। बेहतरीन, ठीक है, लेकिन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में कहीं से कहीं रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक मौका छूट गया, दूसरे को तलाशना है, कहाँ से मौका मिल सकता है। हाँ सही है अमन सर, आज एक्सपायरी है सो गड़बड़ करेंगे, आज बहुत प्रीमियम भी बहुत डीके करेगा आज। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है हम न्यू ट्रेडर के साथ। जी बिल्कुल सर, देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे 6-7 महीने 8 महीने साल भर बैठे रहेंगे ना, बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे फिर तो, ये रिस्क इतना रिस्क समझ कर ले ही लेंगे, ठीक है। 10 पॉइंट का रिस्क कुछ भी नहीं है, मार दो यहाँ से, लेकिन अभी बहुत टाइम देना पड़ेगा हमें, 8-10 महीने साल भर जब देख बैठेंगे ना साथ में, बेहतरीन समझ पाएंगे मार्केट को। सर वर्जन ओपन कीजिए, नहीं हो रहा है क्या, ओपन ही है सर, सुरहानी सर 24 वर्जन ओपन ही है हमारा, इसे ही देखते रहते हैं हम। और यहाँ पर देखिए 92% वीक, यहाँ पर शिफ्ट होने की कगार पर भी आ गया, 99% ऑलमोस्ट। सर अगर सपोर्ट साइड WTB हो गया तो फिर UR -1 वेट करे या फिर EMA का यूज करके करना चाहिए। देखिए अरुण सर, आपके पास दो दोनों कन्विक्शन है ना, अगर वो हो गया और दोनों एक ही पास है, यहाँ पर देखिए EMA भी वहीं पर है और -1 भी वहीं पर है, देखते हैं तो रिस्की ट्रेडर्स वहां से रिस्क ले सकते हैं। क्या वैल्यू 22,196, 96 के आसपास ऑलमोस्ट वहीं पर है, देखते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप ले भी रहे हो तो याद रखिएगा ये बहुत रिस्की है ना, बहुत रिस्की, और सेफ ट्रेडर फिर यहाँ का वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। ओनली रिस्की ट्रेड जो साल भर से यूज कर रहे हैं LTP कैलकुलेटर या फिर उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है वही ट्रेडर्स। एटी 8%, बहुत हाईली ड्रास्टिकली परसेंटेज भी कम हो रही है, ऑलमोस्ट 99%। और वहीं से रिवर्स हो रहा है -1 से ही, ले रखा है कुछ, मत बोलिए सर। ऐसा है क्या महेश सर, जाने दो नीचे, बीच में ही मार दिया क्या सर। सपोर्ट अगर WD हो जाए तो ब्लड बाथ,
हाँ वही बोला ना मैंने डिस्कॉक्सर, ये ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा फिर तो। अगर सपोर्ट भी WTB हो गया तो ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा, मतलब नो कॉल एट ऑल। मेरे आईडी पासवर्ड गलत दिखा रहा है इसलिए बता रहा हूँ सर के लिए, अभी वर्जन 24 ओपन। हाँ सही, ओके ओके ओमन सर, कोई दिक्कत नहीं, ओपन ही है। और ये देखिए शिफ्ट भी हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। अब यहाँ पर देखते रहिएगा, ये परसेंटेज है ना कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहनी चाहिए और ये परसेंटेज बढ़ती रहनी चाहिए, तो ये हो जाएगा ब्लड बाथ। और इस केस में जो भी हाईली रिस्की है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस -1 से, और कंजर्वेटिव ट्रेडर्स एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। देखते हैं इतना प्रेशर लगा पाता है या नहीं बाजार। गुड मॉर्निंग वाजे सर, लगता है आज रिस्की ट्रेडर्स को ही देगा पैसा, जो मार्केट में रिस्क लेते हैं ना उसे ही मौका देगा। सेफ ट्रेडर को आज भी शायद वेट ही करना पड़ेगा। और ये भाई साहब देख लीजिए क्या बात है, ऑलमोस्ट क्या ही कर रहा है आज तो बाजार, ऑलमोस्ट आपका टारगेट ही दे दिया है एक ही कैंडल में, क्या बात है। अगर नीचे गया तो आपके नाम का नारियल फोड़ूंगा, क्या बात है, फोड़ दीजिए अब तो, गया चला गया, बुक कर लिया ना। हाँ मैं सर बुक कर लिया ना कि अभी तक बने हो, टाइमर रखिए अभी स्क्रीन पर। ऐसा है क्या वाई जी सर, ओके ठीक है, टाइमर भी लगा देंगे। बताइए तो सही महेश सर, पैसे छाप कर बंद हो गए आप तो, 22,182 से लिया था ₹750 बुक, क्या बात है पुराना सर। ऐसा है क्या, 40 तक रुकना है अभी आपको, फुल्ली छापना है ऐसा है ना, ठीक है आज तो आप ही छाप लीजिए सारे पैसे। क्या बात है, वो भी चली गई नीचे है, और ये भी ऑलमोस्ट सपोर्ट भी ऑलमोस्ट WTB होने की कगार पर, क्या बात है। छाप लिया, जाने दो, 1300 बुक किया क्या बात है मैं सर, छाप लिया ना, अकेले अकेले छाप लिया, क्या बात है। और कोई धुरंधर नहीं है क्या इसमें, जिसने रिस्की ट्रेड से छापा हो। बस दो तीन ट्रेडर ही है जिसने रिस्क लिया हो। गुड सर, खुराना सर, हाँ जी सर, नाइस, अच्छा था, रिस्क था लेकिन ठीक है। हर टॉप से बिकवाली होगी जी, बिल्कुल प्रियांशु सर, हर टॉप से बिकवाली होगी आज तो। छापा किसने किसने छापा, बंद मत हो जाइए, कहते रहिए ऐसे ही, हजम नहीं होगा आपको अगर अकेले अकेले छाप लेते हो।
और सबको बताते नहीं हो तो ठीक है। ₹30 का खर्चा बढ़ गया आप। नहीं यार, फोड़ना पड़ेगा नारियल फोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, और फोड़िएगा जरूर, मेरा नाम से, मेरा नाम लेकर आपने लिया है तो अगर बीमार पड़ा ना तो आपको पकड़ूंगा मैं। सही है मैं सर। बहुत जगह पर परसेंटेज बढ़ रही है, यहाँ पर 71, 74, 74। क्या कुछ खेला करेगा ये? हाँ, ऐसा तो नहीं है नीचे को शिफ्ट होकर फंसाया जाए ऊपर, देखते। बहुत जगह पर परसेंटेज बढ़ रही। मैं तो काम पे हूँ सर जी, आज का एक्सपायरी कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा। ओके प्रियांशु सर, ठीक है। ये कभी बड़ी वाली कैंडल बन जाए ना तो मजा ही आ जाएगा, बेहतरीन। कंप्लीट टाइम पे एग्जिट करवाया सर, 94 का प्रीमियम 120 में निकाला, सही टाइम पे आपने बोला एग्जिट का। सही है सर, नाइस महेश सर, आपकी मेहनत है। सही है, आपका पैसा, जो भी मेहनत करेगा वो उसे पैसा तो मिलेगा ही, सही है ना। हो गया खेला ब्लड बाथ, सही है। सर WTB, हाँ जी बिल्कुल योगेश सर, हो गया ब्लड बाथ। देखते बाजार कहीं से कहीं तक मौका देता है या नहीं, रिस्की सेफ, देखते अब। रिस्क है तो इश्क है, लेकिन जो सेफ ट्रेडर अभी नए नए है वो इश्क के क्रम में मत जाइएगा, है इश्क के चक्कर में कहीं धुआं धुआं ना हो जाए सब कुछ, है ना। देखते रहिएगा। क्या बात है चैटर्जी सर, ये क्या कर दिया सर, गमछा ही खोल दिया बट ट्रेड नहीं दिया। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसे, ऐसा भी बाजार में। जिसने भी यहां से रिस्क लिया होगा उसे पैसे मिले होंगे, वरना सब वेट ही करते रहे होंगे। अब -1 से भी कोई ट्राई मत मारिएगा, ठीक है सर। ये कंडीशन में सेफ और रिस्की कहाँ, समझा दीजिए। ओके सर, जैसा मैंने आपको बता दिया, रिस्की ट्रेड फिर से है ना, सिनेरियो बदल गया है। रिस्क जो भी लेना चाहते हैं वो फिर से यहीं से ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से, सॉरी +1 से, क्या है वैल्यू 188, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ सही है, -1 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है आज। -1 से ही रिस्की ट्रेडर्स 199 के आसपास, 88-99 के आसपास वैल्यू आ रही है यहाँ पर कहीं, और जो सेफ ट्रेडर है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। ओके देखते हैं। और कॉल साइड में तो आज कुछ है ही नहीं, है ना, कॉल साइड में तो जाना ही नहीं है। ओके 10:30 बज चुके हैं और अब लाइव स्ट्रीम एंड करने का भी समय आ गया है, तो आई होप कि दोस्तों मजा आया होगा, जिसने भी रिस्क लिया होगा
पैसे भी मिले होंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस माइनस वन, रिस्की ट्रेड, सेफ ट्रेड, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट हो चुका है अब फिर से डब्ल्यू टी बी। ओके, यही है, कॉल साइड में कोई भी मत फंसिएगा आज, क्योंकि ये ब्लड बाथ वाला सिनेरियो है। ओके, आई होप कि बहुत एंजॉय किया होगा, भले ही स्ट्रीम में बहुत कम है, देखते सिर्फ 35 लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन 35 के साथ भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। 22,150 के डाइवर्जन भी तो मॉडरेट वाला पुट का ट्रेड होगा। हाँ वही बताया ना सर, थोड़ा सा रिस्की, और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा रिस्की, मॉडरेट ही हो जाएगा, लेकिन अगर गलती से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर चला गया तो यहाँ पर आपको एवरेजिंग करनी पड़ सकती है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बताया, लेकिन रिस्क लेने वाले तो ले ही लेंगे, है ना। क्या बात है रोहित सर, प्रॉफिट 1100। राकेश सर लव यू बाबू, क्या बात है, यू आर बेस्ट सर, थैंक यू सो मच कुरान सर, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ओके, कोई फंसिएगा मत, ठीक है, बस ओके, एंड करते लाइव स्ट्रीम को, माइनस वन पर खड़ा हो गया बाजार, देखते, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय सभी को।